सिल्वरिंग ऑफ लेंस। सिल्वरिंग ऑफ लेंस के अंदर यह बताया जाता है कि आपके पास मान लो एक कन्वेक्स लेंस है या कोई भी कंकेव लेंस है, डबल कन्वेक्स है, आपने इस पोर्शन को क्या कर दिया, सिल्वर कर दिया, पेंट कर दिया, तो इट एक्ट्स लाइक अ मिरर। तो ये वाला पोर्शन मिरर है, ये वाला पोर्शन लेंस है, ठीक हो गया यहां तक। फिर आपने क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन के अंदर यह कहा जाएगा कि ये क्वेश्चन में ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की दूरी दी जाएगी, और फाइनली वो हर क्वेश्चन में एक ही चीज पूछता है, बताओ इसकी इमेज कहां बनेगी, बस ये क्वेश्चन है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ऑब्जेक्ट से रे निकलेगी, इस लेंस पे रिफ्रैक्शन होगी, फिर मिरर पे रिफ्लेक्शन होगी, फिर लेंस पे रिफ्रैक्शन होगी, और फिर उसकी फाइनल इमेज बनेगी। तो रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और फिर इमेज बनेगी, मतलब पहला काम लेंस का, दूसरा काम मिरर का, तीसरा काम लेंस का। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर ये कॉम्बिनेशन जो है, मतलब अब आधा लेंस है आधा मिरर है, कोई ये पूछे सर ये कॉम्बिनेशन किस कैटेगरी में जाएगा, क्या ये कॉम्बिनेशन मिरर की कैटेगरी में जाएगा या ये लेंस की कैटेगरी में जाएगा, तो आंसर है ये कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट मिरर की कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली रे क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, तो मैं इसे लेंस नहीं बोल सकता, मैं इसे अल्टीमेटली क्या बोलूंगा, ये एक मिरर है, स्पेशल टाइप का मिरर है जिसमें पहले रिफ्रैक्शन है और फिर मिरर का काम है। तो क्लियर है यहां तक। फिर टोटल पावर का फॉर्मूला इसमें नोट करेंगे, लिखा हुआ है टोटल पावर की वैल्यू या टोटल इक्विवेलेंट पावर की जो वैल्यू है वो लेंस की पावर है प्लस मिरर की पावर है प्लस लेंस की पावर है। तो टोटल पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इसके इक्वल है, ये इस चीज को नोट कर लें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ये टोटल पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट है, इस पूरे टॉपिक में एक साइन कन्वेंशन यूज होगी, सिर्फ इस टॉपिक में जो नॉर्मल साइन कन्वेंशन से हटके है, वो क्या कि आपने इसमें कन्वेक्स और कंकेव नहीं बोलना, आपने ये नहीं बोलना कि फोकल लेंथ नेगेटिव है तो वो कंकेव है, फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो कन्वेक्स है ना, ये नहीं बोलना आपने। इसमें ये साइन कन्वेंशन यूज करनी है कि अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है या फिर अगर पावर पॉजिटिव है तो वो कन्वर्जिंग डिवाइसेस है, कन्वर्जिंग डिवाइसेस है, कन्वर्जिंग डिवाइसेस की फोकल लेंथ पॉजिटिव है, बस ये रूल याद रखना, ठीक, ये रूल याद रखना। तो कन्वर्जिंग डिवाइसेस की फोकल लेंथ पॉजिटिव है, डाइवर्जिंग डिवाइसेस की फोकल लेंथ नेगेटिव है, बस आप ये ना कहें सर ये तो एक ही बात है, मैंने कहा क्या कि अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो कन्वेक्स हो गया, ना बिल्कुल भी नहीं, फोकल लेंथ पॉजिटिव है कन्वेक्स हो गया ऐसा नहीं बोलना आपने, फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो कन्वर्जिंग डिवाइस है, फोकल लेंथ नेगेटिव है इसका मतलब वो डाइवर्जिंग डिवाइस है, इरिस्पेक्टिव कि वो कन्वेक्स है या कंकेव है, बस ये याद रखना। और ये साइन कन्वेंशन सिर्फ और सिर्फ किस में यूज करनी है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर में, सिल्वरिंग ऑफ लेंस में। बस मैं शुरू करता हूं, सबसे पहले फोकल लेंथ रेसिप्रोकल ऑफ पावर है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है तो ये वन बाय लेंस है, मिरर है और लेंस है। अब आगे इसके अंदर इमेजिन करें आपका जो लेंस है उसका नेचर कन्वर्जिंग है, देखो मैंने ये नहीं बोला कन्वेक्स कंकेव है, मैंने बोला उसका नेचर कन्वर्जिंग है, वो रेस को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, तो आप इसकी फोकल लेंथ क्या लेंगे, पॉजिटिव। मिरर में मान लो आपका मिरर जो है उसका नेचर भी कन्वर्जिंग है, वो रेस को कन्वर्ज करता है, तो आप फिर से फोकल लेंथ क्या लेंगे, पॉजिटिव। मैंने ये नहीं कहा कि कन्वेक्स है, मैंने कहा कन्वर्जिंग नेचर है तो पॉजिटिव। अगर मान लो फिर से लेंस कन्वर्जिंग है तो वो पॉजिटिव, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ भी क्या आएगी, पॉजिटिव। अब इक्विवेलेंट जो इक्विवेलेंट जो आपका कॉम्बिनेशन होगा, आप मन में ये मानेंगे कि आपकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या आएगी, कन्वर्जिंग आएगी, क्योंकि ये भी कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग, तो ये भी कन्वर्जिंग ही होगा, सब पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव साइन का मतलब यहां पर कन्वर्जिंग है। तो आपको ये पता लग गया कि ये जो कॉम्बिनेशन होगा उसका नेचर कन्वर्जिंग होगा, ठीक। अब इस टॉपिक को बंद कर दें, अपने मन से पूछें कि कोई ऐसा मिरर बताएं जिसका नेचर कन्वर्ज करने का है, वो कंकेव हुआ कि कन्वेक्स हुआ, वो फिर क्या बना आपका, मान लो ये मिरर है वो क्या बनेगा, कंकेव बनेगा, कंकेव रियल इमेज बनाता है, कन्वर्ज करता है। तो अगर आपकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पॉजिटिव आई, कन्वर्जिंग आई, तो मन में ये बोल रहे हैं कि ये आपको, देखो आपको करना क्या होता है, मिरर को आइडेंटिफाई करना होता है, तो जो इक्विवेलेंट जो आपका मिरर बनेगा वो कन्वर्जिंग नेचर बनेगा, और मन से पूछो कौन सा मिरर स्फेरिकल कन्वर्जिंग इन नेचर है, आपका आंसर आएगा अंदर से कंकेव, बस यही आइडेंटिफाई करने का काम है,
कि कॉम्बिनेशन कनकेव एक्ट करेगा या कॉम्बिनेशन कन्वेक्स एक्ट करेगा। उसके बाद ये न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा, मैं करके दिखाता हूँ कैसे। जैसे एक ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ इक्वी कनकेव लेंस, तो इक्वी कनकेव लेंस है और इसकी ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है 30, तो एक ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर पर प्लेस कर दिया। विच इज मेड अप ऑफ ग्लास और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हैविंग फोकल लेंथ ऑफ 30, फोकल लेंथ की वैल्यू पता है इसमें 30 है। द सर्फेस ऑफ लेंस ऑन द अदर साइड इज सिल्वर्ड, तो हमने एक सर्फेस को क्या कर दिया, सिल्वर कर दिया। फाइंड नेचर एंड पोजिशन ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड, तो आपको बताना है कि वी क्या बनेगा, वी कहां पर बनेगा, यू पता है, वी निकालना है, सिंपल है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर आप ऐसा इमेजिन करें कि ये आपके पास डबल कनकेव लेंस है, ऐसा डबल कनकेव लेंस की फोकल लेंथ गिवन है जो कि कितनी है 30, यानी कि -30 है, कनकेव है तो -30 है। अब आपने इस पोर्शन को क्या कर दिया, सिल्वर कर दिया। ये पोर्शन जब सिल्वर कर दिया तो मिरर की फोकल लेंथ क्या है, ये मत बोलना कि 30 है, लेंस की 30 थी। मिरर के लिए आपको फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी कैसे, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2 से। तो मिरर की जो फोकल लेंथ है वो आर बाय 2 है। इसके लिए आर निकालने के लिए आपको लेंस मेकर लगाना पड़ेगा। सबसे पहले आप लेंस मेकर लगाएं, लेंस मेकर के अंदर आप ये वैल्यू पुट करें 1/R1 1/R2, तो फोकल लेंथ को क्या पुट करें, -30, म्यू की वैल्यू 1.5 है, 1/-R है और 1/R है, यही हुआ इक्वी कनकेव लेंस का। तो यहां से सॉल्व करके सबसे पहले किसकी वैल्यू आएगी आपके पास, R की वैल्यू आएगी। क्लियर है यहां तक, यहां से R आएगा। करेक्शन कर लेना आपके असाइनमेंट के अंदर, आपके असाइनमेंट में ये करेक्शन है कि जब मैंने वैल्यूज पुट की थी इसमें तो फोकल लेंथ पहली बात तो यहां पर नेगेटिव पुट करनी है, 1.5 -1 है, इसको नेगेटिव पुट करना है और इसको पॉजिटिव पुट करना है, ये साइन कन्वेंशन यूज करें जैसे हमने क्लास में नॉर्मल की थी, ठीक है। तो यहां से सॉल्व करके आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि डबल कनकेव लेंस आपको यूज करना आता है, कि फोकल लेंथ को नेगेटिव पुट करना होता है, एक आर नेगेटिव एक आर पॉजिटिव आंसर आएगा। तो आपके पास आर की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू कितनी आ गई 30, तो मिरर की जो फोकल लेंथ है 30/2 कितनी बनी 50, यानी कि एक तरफ से लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 30 और एक तरफ से मिरर है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 15। अब आपको ये चीज पता लग गई, लेंस की फोकल लेंथ 30 है, मिरर की फोकल लेंथ 15 है। करें स्टार्ट। अब ये बताओ नेचर की बात बताओ, नेचर कैसे, मुझे सिर्फ ये बताओ कि अगर आप लेंस की बात करते हो, मुझे ये मत बताओ कन्वेक्स है कनकेव है, मुझे मालूम है कनकेव है, कनकेव का इसका नेचर क्या है, डाइवर्जिंग की कन्वर्जिंग, मतलब जब रेज आएंगी क्या करेगा, डाइवर्ज की कन्वर्ज, डाइवर्ज तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी नेगेटिव, फिर मिरर पे गिरेगी रेज, मिरर भी क्या करेगा डाइवर्ज, जो रेज यहां से आएंगी वो क्या कर देगा डाइवर्ज करेगा, तो इसकी फोकल लेंथ भी क्या होगी नेगेटिव, डाइवर्जिंग की बोला था नेगेटिव, फिर ये लेंस तो है ही डाइवर्जिंग तो इसकी फोकल लेंथ भी क्या है नेगेटिव, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पूरे कॉम्बिनेशन का क्या निकलेगा, लेंस की नेगेटिव -30 है, ट्वाइस कर देना डबल है, और मिरर की भी -15 है, दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या हैं डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग की वजह से हर आइटम क्या लगी नेगेटिव, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ भी क्या आ गई नेगेटिव। अब आप मुझे ये बताओ अगर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इस पूरे मिरर की क्या आ गई नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग नेगेटिव का मतलब डाइवर्जिंग, अपने मन से पूछो कौन सा मिरर डाइवर्जिंग होता है, डाइवर्जिंग कन्वेक्स, इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन विल एक्ट लाइक कन्वेक्स। अब ऊपर का न्यूमेरिकल भूल जाओ, अब अपना न्यूमेरिकल फिर से बनाओ, अब पुरानी साइन कन्वेंशन में वापस आ जाओ, तुम्हें पता लग चुका है कि मिरर का नेचर क्या है कन्वेक्स, कन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या होती है पॉजिटिव। ये सबसे ट्रिकी पार्ट है, जब न्यूमेरिकल सॉल्यूशन पढ़ा जाता है लोग बोलते हैं अरे ये नेगेटिव था ये क्या कर दिया पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर कॉन्सेप्ट डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग का है। यहां तक फोकल लेंथ सिर्फ ये पता कर रही है कि ये मिरर डाइवर्जिंग होगा या कन्वर्जिंग होगा, क्योंकि फोकल लेंथ इक्विवेलेंट नेगेटिव आई तो इसका मतलब डाइवर्जिंग है, बस इतना, ये पूरा काम यही जानने के लिए है कि डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग है। और क्योंकि ये डाइवर्जिंग आया और आपको पता है कि डाइवर्जिंग नेचर किसका होता है कन्वेक्स का, अब कन्वेक्स की फोकल लेंथ पुरानी साइन कन्वेंशन पे आ जाओ, कन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या होती है पॉजिटिव, तो आपने +7.5 यूज करना है
यू आपको गिवन है, वहां से वी निकाल लेना आंसर, बाकी आधा न्यूमेरिकल तो नॉर्मल ही है। बस ये आइडेंटिफाई करना मेन पार्ट है इसका, कि आपने आइडेंटिफाई करके ये बताना है कि कन्वेक्स मिरर है या कनकेव मिरर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। फिर एक बार देखो, आपके पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट को आपने प्लेनो कन्वेक्स के साथ रख दिया, आपको बताना है इसकी इमेज क्या होगी, और क्वेश्चन में गिवन है कि 20 सेंटीमीटर यू की वैल्यू 20 है और फोकल लेंथ की वैल्यू 15 है। अब मुझे ये बताओ, इसके अंदर कॉम्बिनेशन में ये रूल लगा दिया, क्योंकि मिरर इसको आपने सिल्वर किया, ये प्लेन है, प्लेन की फोकल लेंथ क्या होती है, इन्फिनिटी, 1/∞ क्या होता है, 0। तो आपके पास क्या आ गया, ये टर्म आ गई, फोकल लेंथ लेंस की आपको पता है, तो यहां से इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ गई, जो कि नेगेटिव आएगी पॉजिटिव, पॉजिटिव मन से पूछो, पॉजिटिव का मतलब कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग, कौन सा मिरर कन्वर्जिंग सीखा आपने, कनकेव, तो यानी कि ये एक्ट करेगा लाइक कनकेव। अब कनकेव है, कनकेव की फोकल लेंथ अब क्या पुट करनी है, नेगेटिव, ये प्लस है तो ये माइनस करना पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ जानने के लिए कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, एक्चुअल में तो जब पता लग गया ये कनकेव है तो फोकल लेंथ नेगेटिव पुट करके, यू को नेगेटिव पुट करके वी निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। तो आधा क्वेश्चन कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग की साइन कन्वेंशन है और आधा क्वेश्चन एक्चुअल साइन कन्वेंशन जो हमने किया उसके ऊपर बेस्ड है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या रूल है। तो आज के बाद अगर सिल्वरिंग का कोई भी न्यूमेरिकल आपको दिखे तो आप ये रूल लगा के अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।